भारत से सिंगापुर तक दुनिया भर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 300 नए केस सामने आए हैं। संक्रमण के चलते 5 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 4 मरीज सिर्फ केरल से हैं, जबकि 1 यूपी से है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रविवार को 335 नए कोविड के केस सामने आए, जिसके बाद अब एक्टिव केस बढ़कर 1,701 हो गए हैं। बता दें, इसे कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 कहा जा रहा है। इसी बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं और अस्पतालों में इन मरीजों की कोविड की जांच हो रही है। इसमें कुछ पॉजिटिव भी मिल रहे हैं। नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में कोविड के हल्के लक्षण ही मिल रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स इस वेरिएंट को खतरनाक नहीं बता रहे। हालांकि फिर भी इस मौसम में लोगों को बाहर जाते समय मास्क लगाना चाहिए, यह आपको सांस की बीमारियों और प्रदूषण दोनों से बचाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कर्नाटक सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। कर्नाटक सरकार ने केरल और अन्य राज्यों में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के बाद बीमार बुजुर्गों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। इसके अलावा सिंगापुर में भी लोगों को भीड़भाड़ इलाकों में मास्क पहनने के लिए कहा गया है।